वेलकम बैक दोस्तों, मैं अंकित विश्वकर्मा एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल DVLNST में स्वागत करता हूं। दोस्तों जैसा कि आप सब जान रहे हैं कि हर रोज की तरह आज हम वापस से यानी CDP की क्लास कर रहे हैं। दोस्तों CDP की क्लास आज हम लोग 14 नंबर की क्लास करेंगे और इस क्लास में टोटल दोस्तों हम लोग 75 क्वेश्चनों को देखेंगे। और दोस्तों अगर आप ये वीडियो और सीरीज हमारी पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और दोस्तों यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपको बता दूं कि CDP की जो यहाँ पे क्लास हो रही है, अगर आप लोगों को भी दोस्तों CDP में अच्छा स्कोर गेन करना हो तो आप हमारे इस वीडियो से साथ में हमारी सीरीज से जुड़ना बिल्कुल भूलिएगा। क्योंकि दोस्तों आपको बता दूं कि यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं ये दोस्तों प्रीवियस ईयर में पूछे गए सारे क्वेश्चनों का यहाँ पे संकलन लिया गया है, क्योंकि दोस्तों आने वाले एग्जामों के लिए सीरीज बेहद ही महत्वपूर्ण बन सके। और दोस्तों ये एग्जाम CTET का एग्जाम जल्द ही होने को है, तो दोस्तों कहीं ना कहीं आप अपनी तैयारी को और मजबूती देने के लिए आप हमारी इस क्लास से साथ में हमारे इस वीडियो से जुड़ना बिल्कुल भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों आने वाले एग्जामों के लिए सीरीज हमारी बेहद ही महत्वपूर्ण होगी। और दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, इसके लिए दोस्तों आपको हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप पर लिंक मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ करके इन सारे क्वेश्चनों का हल सहित PDF प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों आपको यदि कोई सुझाव या कोई डाउट या कोई क्यूरी हो तो आप वहां पे भेज करके यानी कि मैसेज दे करके उन सभी का सोल्यूशन भी प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों यदि आपका किसी प्रकार का कोई सुझाव या डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा ये रहा, तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, कहा गया है कि बुद्ध के त्रितत्व सिद्धांत में स्पीयरमैन ने तीसरा तत्व कौन सा बताया है। अब दोस्तों सामान्य तत्व बताया है, विशिष्ट तत्व बताया है, एकल तत्व बताया है, या फिर दोस्तों समूह तत्व बताया है। यानी कि इस क्वेश्चन में मेन बात ये कही गई थी कि जो बुद्धि के त्रितत्व सिद्धांत में स्पीयरमैन जो थे उन्होंने तीसरा तत्व कौन सा बताया है। तो तीसरा तत्व दोस्तों उन्होंने समूह तत्व बताया है, यानी कि 64 का अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे डी के साथ ये क्वेश्चन क्या होगा, राइट हो जाएगा। अगला हम लोग देखेंगे दोस्तों 65 नंबर क्वेश्चन, और 65 नंबर क्वेश्चन में यहाँ कहा है कि EQ एवं IQ किसका उदाहरण है, यानी कि दो वर्ड बताए गए हैं EQ और IQ, कहा गया किसका उदाहरण है, व्यक्तिगत प्रदत्त का उदाहरण है, या फिर दोस्तों मानक प्रदत्त का उदाहरण है, प्राप्त व प्रदत्त का उदाहरण है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको बता दूं कि EQ तथा IQ उदाहरण जो हमारे हैं वो दोस्तों मानक प्रदत्त के उदाहरण है। यानी कि 65 का अगर देखेंगे तो बी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन दिया गया 66 नंबर, यहाँ पे कहा गया कि निम्न में से कौन सी बुद्धि व्यक्ति की आयु के साथ अभिवृद्धि से होने से नहीं रुक सकती है। पहला ऑप्शन दिया गया भावात्मक बुद्धि, फिर दिया गया शैक्षिक बुद्धि, फिर दिया गया शाब्दिक बुद्धि, और अगला दिया गया स्थानगत बुद्धि। ये बात कही गई थी कौन सी बुद्धि व्यक्ति की आयु के साथ अभिवृद्धि होने से नहीं रुक सकती, इनमें से ये कौन सी बुद्धि है कि व्यक्ति के आयु के साथ साथ वो बुद्धि का विकास चलता रहता है, यानी वो रुक नहीं सकती है। तो 66 का अगर यहाँ पे हम देखेंगे तो वो है दोस्ती हमारी भावात्मक बुद्धि, यानी कि 66 का ए के साथ इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, राइट करेंगे। और अगला हम लोग क्वेश्चन देखेंगे 67 नंबर क्वेश्चन, 67 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, कहा गया कि गिलफोर्ड के बुद्धि संबंधी मॉडल में कौन सा आयाम नहीं है। प्रक्रिया को दोस्तों संक्रिया भी कहा जा सकता है, ठीक है, प्रक्रिया लिखा रहेगा या फिर दोस्तों संक्रिया लिखा रहेगा। फिर अगला इस प्रकार लिखा रहेगा परिणाम, या फिर दोस्तों उत्पाद लिखा रहेगा। इसी प्रकार दोस्तों अंतर्वस्तु, या फिर दोस्तों इसको विषय वस्तु भी लिखा रहेगा। और दोस्तों चौथा ऑप्शन है हमारा समूह तत्व, यानी कि गिलफोर्ड के बुद्धि संबंधी मॉडल में कौन सा आयाम नहीं है, ये पूछा गया है, आयाम नहीं है। तो इसका जो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा समूह तत्व, हमारा गिलफोर्ड के बुद्धि संबंधी मॉडल में आयाम नहीं है, कौन सा दोस्तों समूह तत्व, यानी कि 67 का डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। और अगला हम लोग देखेंगे 68 नंबर, यहाँ पे कहा गया है क्वेश्चन में कि संवेगात्मक बुद्धि के विकास के लिए आवश्यक नहीं है। अब क्या आवश्यक नहीं है, मानसिक विकास आवश्यक नहीं है, कि मार्गांतरीकरण एवं शोधन आवश्यक नहीं है, संज्ञानात्मक कौशल आवश्यक नहीं है, भावात्मक क्षेत्र की योग्यताएं आवश्यक नहीं है। तो इन चार में से दोस्तों आपको बता दूं इसका जो राइट आंसर बन जाएगा हमारा वो हो जाएगा दोस्तों संवेगात्मक बुद्धि के विकास के लिए मार्गांतरीकरण एवं शोधन आवश्यक नहीं है। यानी कि 68 का अगर हम देखेंगे तो
तो यहाँ पे बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 69 नंबर, और यहाँ पे जो कहा गया है डेनियल गोलमैन द्वारा प्रतिपादित संवेगात्मक बुद्धि का आयाम नहीं है, सामाजिक कौशल नहीं है, स्वप्रबंधन नहीं है, स्वसामर्थ नहीं है, स्वजागरूकता नहीं है, तो 69 का जो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, डेनियल गोलमैन द्वारा प्रतिपादित संवेगात्मक बुद्धि का आयाम नहीं है। तो दोस्तों ये है हमारा स्वसामर्थ नहीं है, यानी कि 69 का अगर हम देखेंगे तो ये हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा, 69 का सी के साथ ये क्वेश्चन राइट बन जाएगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन हम लोग दोस्तों 70 नंबर, और 70 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है डेनियल गोलमैन का संबंध है सामाजिक बुद्धि से है, संवेगात्मक बुद्धि से है, अमूर्त बुद्धि से है, या फिर दोस्तों मूर्त बुद्धि से है। 70 का अगर यहाँ पे हम देखेंगे दोस्तों, तो डेनियल गोलमैन का संबंध हमारा जो होता है वो है दोस्तों हमारा संवेगात्मक बुद्धि से है। 70 का यहाँ पे बी के साथ क्वेश्चन क्या बनेगा, राइट बन जाएगा। और देखेंगे हम लोग दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 71 नंबर, यानी कि 71 नंबर क्वेश्चन पे यहाँ पे दिया गया है कि निम्न में से संवेगात्मक बुद्धि का आयाम नहीं है, चिंतन का संवेगात्मक सुगमीकरण नहीं है दोस्तों, या फिर समस्या समाधान की जन्मजात क्षमता नहीं है, या फिर दोस्तों हमारा संवेगों का प्रत्यक्षीकरण मूल्यांकन और अभिव्यक्ति नहीं है, चौथा ऑप्शन दिया गया है संवेगों का विश्लेषण नहीं है। अब दोस्तों इसमें से संवेगात्मक बुद्धि का आयाम नहीं है तो वो हो जाएगा दोस्तों हमारा समस्या समाधान की जन्मजात क्षमता, यानी कि 71 का हमारा बी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 72 नंबर क्वेश्चन, और 72 नंबर क्वेश्चन पे हमारा दिया गया है, कहा गया है कि भारत में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने बुद्धि के शिक्षण के लिए कौन सा विभाग खोला है, मनोविज्ञान विभाग, राष्ट्रीय भौतिक विभाग, श्रम एवं रोजगार विभाग, उपर्युक्त सभी। तो इसका जो राष्ट्रीय भारत में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के बुद्धि शिक्षण के लिए कौन सा विभाग खोला गया था दोस्तों, वो खोला गया था मनोविज्ञान विभाग। यानी कि 72 का अगर हम देखेंगे तो ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 72 के बाद दोस्तों हम लोग 73 नंबर क्वेश्चन, और 73 नंबर क्वेश्चन पे कहा है कि बुद्धि इन चार शब्दों में निहित है, ज्ञान, आविष्कार, निर्देश तथा दोस्तों आलोचना। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है, थर्स्टर्न का है, स्टर्न का है, टर्मन का है, अल्फ्रेड बिने का है। दोस्तों बताया गया है कि बुद्धि जो है इन चार शब्दों में निहित है। पहला शब्द बताया गया कि बुद्धि हमारी ज्ञान में निहित है, बुद्धि हमारी आविष्कार में निहित है, बुद्धि हमारी निर्देश में निहित है, बुद्धि हमारी आलोचना में निहित है। तो इन चार में से दोस्तों आपको बता दूं जो राइट आंसर बन जाएगा हमारा अल्फ्रेड बिने हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 73 का हमारा हो जाएगा राइट, यानी कि 73 का डी, यानी कि बुद्धि के चार शब्द निहित है, ये हमारा अल्फ्रेड बिने ने इन चार शब्दों को बताया था। 73 का दोस्तों डी हो जाएगा। और अगला हम देखेंगे 74 नंबर, 74 नंबर पे क्वेश्चन दिया गया है, कहा गया कि बुद्धि की अभिवृद्धि का चरम बिंदु डॉट डॉट की आयु में होता है, यानी कि बुद्धि की जो अभिवृद्धि होती है उसका चरम बिंदु किस वर्ष में होता है दोस्तों, 12 वर्ष में होता है, 14 वर्ष में होता है, 16 वर्ष में होता है, या फिर दोस्तों हमारा 25 वर्ष में होता है। तो 74 का यहाँ पे जो हमारा हो जाएगा राइट आंसर दोस्तों, बुद्धि का अभिवृद्धि का चरम बिंदु दोस्तों जो हमारा होगा वो 16 वर्ष की आयु में होता है। 74 का यहाँ पे हमारा सी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखेंगे 74 के बाद दोस्तों, हम लोग 75 नंबर देखेंगे, और 75 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि कुछ व्यक्ति नवीन व्यक्तियों में आसानी से समायोजित हो जाते हैं क्योंकि उनमें डाट डाट उच्च है। अब उच्च क्या है दोस्तों, शैक्षिक लब्धि है या संवेगिक लब्धि ईक्यू है, बुद्धि लब्धि दोस्तों आईक्यू है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर बन जाएगा दोस्तों हमारा 75 का संवेगिक लब्धि, यानी कि इसको कहा जाएगा ईक्यू भी हम शॉर्ट में बोल सकते हैं, कि कुछ व्यक्ति नवीन व्यक्तियों में आसानी से समायोजित हो जाते हैं क्योंकि उनमें ईक्यू उच्च होता है, यानी कि संवेगिक लब्धि उच्च होती है। 75 का हमारा यहाँ पे बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे दोस्तों 76 नंबर क्वेश्चन, और 76 नंबर क्वेश्चन पे कहा गया है कि सर्वप्रथम किस मनोवैज्ञानिक ने
बुद्धि परीक्षण की कार्यकारी श्रृंखला का निर्माण किया। थर्स्टन ने किया, स्पीयरमैन ने किया, थॉमसन ने किया, अल्फ्रेड बिने ने किया। तो 76 का यहाँ पे जो हमारा राइट हो जाएगा दोस्तों, अल्फ्रेड बिने हो जाएंगे। यानी कि 76 का अगर हम देखेंगे तो डी के साथ ये क्वेश्चन क्या बनेगा, राइट बन जाएगा। अगला देखेंगे 76 के बाद दोस्तों 77 नंबर, और 77 नंबर क्वेश्चन में कहा गया कि बिने साइमन बुद्धि परीक्षण में प्रथम व द्वितीय संशोधन क्रमशः कब किया गया, 1905 प्रथम व 1908 में द्वितीय, या फिर दोस्तों 1908 में प्रथम, 1911 में द्वितीय, या फिर दोस्तों 1911 में प्रथम, 1916 में द्वितीय, या फिर दोस्तों 1916 में प्रथम या 1922 में द्वितीय। तो बिने साइमन बुद्धि परीक्षण में प्रथम व द्वितीय संशोधन क्रमशः कब किया गया था, तो इसका जो राइट आंसर बन जाएगा दोस्तों हमारा 1908 ईस्वी में प्रथम व 1911 ईस्वी में द्वितीय, हमारे इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा 77 का बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे हम लोग 78 नंबर क्वेश्चन, और 78 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि बिने साइमन बुद्धि परीक्षण में प्रथम व द्वितीय संशोधन के उपरांत प्रश्नों की संख्या 30 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई, अब दोस्तों 39 कर दी गई 30 से बढ़ाकर, कि 55 कर दिया गया, कि 59 कर दिया गया, कि 49 कर दिया गया। तो 78 का यहाँ पे दोस्तों हमारा 59 कर दिया गया था, पहले जो प्रश्नों की संख्या होती थी 30, लेकिन जब यानी कि इन्होंने साइमन बुद्धि परीक्षण में प्रथम व द्वितीय संशोधन जब हुआ था तो प्रश्नों की संख्या 30 से बढ़ाकर दोस्तों 59 कर दी गई थी। तो कुल मिला के देखें तो 78 का हमारा सी के साथ ये क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखेंगे हमारा यहाँ पे 79 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि बुद्धि लब्धि को ज्ञात करने का सूत्र कौन सा है, मानसिक आयु प्लस वास्तविक आयु है, मानसिक आयु इंटू वास्तविक आयु अपान का 100 है, या मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100 है, वास्तविक आयु बटे मानसिक आयु इंटू 100 है। तो दोस्तों आपको बता दूं इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा 79 का सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। पहले मानसिक आयु होती है, अपान में दोस्तों वास्तविक आयु होती है, और इनटू में हमारा 100 होता है। तो यानी कि 79 का हमारा सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 80 नंबर, और 80 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है कि निम्न में से संवेगात्मक बुद्धि के एबिलिटी मॉडल से संबंधित योग्यता नहीं है, अब दोस्तों कौन सी योग्यता नहीं है, संवेगों का प्रयोग करना, संवेगों की आत्म अवधारणा, संवेगों का प्रत्यक्षीकरण, संवेगों को समझना। तो 80 का दोस्तों हमारा जो यहाँ पे राइट हो जाएगा संवेगों की आत्म अवधारणा, यानी कि 80 का हमारा बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट बन जाएगा। अगला देखेंगे 80 के बाद दोस्तों हम लोग 81 नंबर, और 81 नंबर क्वेश्चन पे लिखा है, कहा गया है कि निम्नलिखित में से छात्र की विद्यालय उपलब्धि निर्भर करती है, आत्म संप्रत्यय पर, बुद्धि पर, अभिप्रेरणा पर, उपर्युक्त सभी पर। तो यहाँ पे 81 का जो हो जाएगा कि छात्र की विद्यालय उपलब्धि निर्भर करती है, आत्म संप्रत्यय पर भी निर्भर करती है दोस्तों, बुद्धि पर भी निर्भर करती है, और अभिप्रेरणा पर भी निर्भर करती है। तो कुल मिला के उपर्युक्त सभी हमारे इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी कि 81 का हमारा डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों 82 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे कहा गया है कि बुद्धि का त्रिचापी यानी कि त्रितंत्र सिद्धांत का प्रतिपादन रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने कब किया था, तो दोस्तों 1985 ईस्वी में किया था, 1990 ईस्वी में किया था, या फिर दोस्तों 1995 ईस्वी में किया है, या फिर 1980 ईस्वी में किया है। तो 82 का हमारा जो यहाँ पे राइट हो जाएगा 1985 हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही राइट आंसर बन जाएगा। यानी कि 1985 का हमारा ए के साथ ये क्वेश्चन क्या बनेगा, राइट बन जाएगा। अगला हम लोग देखेंगे 83 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि त्रिचापीय सिद्धांत के अनुसार बुद्धि का प्रकार नहीं है, घटकी यानी कि विश्लेषणात्मक बुद्धि, सांदर्भिक व्यवहारिक बुद्धि, अनुभाविक सृजनात्मक बुद्धि, यांत्रिक या मूर्त बुद्धि। तो 83 का यहाँ पे हो जाएगा हमारा दोस्तों यांत्रिक या फिर मूर्त बुद्धि, दोस्तों यांत्रिक बुद्धि कहेंगे तब भी वही बात है, या फिर मूर्त बुद्धि कहेंगे तब भी वही बात है। यानी कि 83 का यहाँ पे हमारा डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा।
तिरासी के बाद दोस्तों 84 नंबर देखेंगे। 84 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि स्पीयरमैन ने बुद्धि के द्वि कारक यानी कि द्वि तत्व सिद्धांत का प्रतिपादन डॉट डॉट में किया, 1904 ईस्वी में किया, 1905 ईस्वी में किया, 1908 ईस्वी में किया, 1911 ईस्वी में किया। तो जहां पे 84 का हमारा हो जाएगा दोस्तों ए, यानी कि स्पीयरमैन ने बुद्ध के द्विकारक या द्वि तत्व सिद्धांत का प्रतिपादन 1904 ईस्वी में किया था, यानी कि 84 का हमारा यहां पे ए के साथ क्वेश्चन क्या बन जाएगा, राइट बन जाएगा। अगला हम लोग देखेंगे 85 नंबर, और 85 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि जेपी गिलफोर्ड ने बुद्ध का त्रियामी सिद्धांत को कब प्रस्तुत किया, 1977 ईस्वी में, 1967 ईस्वी में, 1980 ईस्वी में, 1985 ईस्वी में। तो 85 का जो हमारा राइट हो जाएगा दोस्तों यहां पे बी, यानी कि 1967 ईस्वी में, यानी कि 85 का हमारा बी के साथ क्वेश्चन क्या बनेगा, राइट बन जाएगा। अगला हम लोग देखेंगे 86 नंबर, और 86 नंबर क्वेश्चन पे कहा है कि भावात्मक बुद्धि को पारिभाषिक शब्द देने वाले विद्वान है दोस्तों, गोलमैन है, जान मेयर है, पीटर सोलवे है, या फिर दोस्तों बिने है। तो 86 का जो हमारा यहाँ पे राइट बनेगा दोस्तों, भावात्मक बुद्धि को पारिभाषिक शब्द देने वाले विद्वान गोलमैन है, यानी कि 86 का हमारा ए के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 86 के बाद दोस्तों 87 नंबर, और 87 नंबर क्वेश्चन पे कहा है कि एक बालक जिसकी मानसिक आयु 20 वर्ष तथा वास्तविक आयु 16 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी, 110 होगी दोस्तों, 130 होगी, 125 होगी, 140 होगी। एक बालक जिसकी मानसिक आयु 20 वर्ष तथा वास्तविक आयु 16 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी, तो 87 का यहाँ पे देखेंगे दोस्तों तो हमारा सी यानी कि 125 हो जाएगी। 87 का हमारा यानी कि सी के साथ ही क्वेश्चन क्या बनेगा, बिल्कुल राइट बन जाएगा। अगला हम लोग देखेंगे 88 नंबर क्वेश्चन, और 88 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि बुद्धि की गुणवत्ता स्नायु तंतुओं की मात्रा पर निर्भर करती है, यह परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक ने दी, थार्नडाइक ने दिया, कैली ने दिया, बिने ने दिया, या दोस्तों थर्सटन ने दिया। 88 का हमारा यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों ए के साथ, यानी कि थार्नडाइक ने दिया। 88 का ए के साथ क्वेश्चन क्या बनेगा, बिल्कुल राइट बन जाएगा। बुद्धि की गुणवत्ता या स्नायु तंतुओं की मात्रा पर निर्भर करती है, यह परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक ने दी, तो दोस्तों थार्नडाइक ने दिया। अगला हम लोग देखेंगे 88 के बाद दोस्तों 89 नंबर, और 89 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है कि बुद्धि एवं मानसिक योग्यता है, बुद्धि एक मानसिक योग्यता है जिसके उद्देश्यों की पूर्ति या समस्याओं का समाधान करने के लिए संबंधित वस्तुओं पर सोचते हैं, यह कथन किसका है, दोस्तों रायबर्न का है, या दोस्तों फिर थार्नडाइक का है, या फिर हमारा थर्सटर्न का है, रिक्स वा नाइट का है। तो 89 का जो हमारा हो जाएगा राइट आंसर डी, यानी कि रेक्स वा नाइट का है। तो 89 का यहाँ पे दोस्तों हमारा डी के साथ ये क्वेश्चन क्या बन जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 90 नंबर क्वेश्चन, और 90 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि गार्डनर ने 1983 में बुद्धि के 7 प्रकार तथा 1998 में बुद्धि के 8 प्रकार बताए, लेकिन 2000 ईस्वी में बुद्धि के कुल कितने प्रकार बताए, ये बात बतानी है। 11 प्रकार बताए, 13, 9 और 16। तो 90 का यहाँ पे जो हो जाएगा दोस्तों 9 प्रकार बताए हैं, यानी कि गार्डनर जो एक वैज्ञानिक थे 1983 में उन्होंने बुद्धि के 7 प्रकार बताए थे, और 1998 ईस्वी में 8 प्रकार बताए हैं, और फिर जब 2000 सन आ गया उसमें बुद्धि के कुल उन्होंने 9 प्रकार बताए हैं, यानी कि 90 का अगर हम देखेंगे तो सी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 91 नंबर, और 91 नंबर क्वेश्चन पे कहा गया है कि पास एलांग टेस्ट का विकास डॉट डॉट ने किया, पास एलांग टेस्ट का विकास डॉट डॉट ने किया, टर्मन ने किया, फिर दोस्तों मार्गन ने किया, किल पैट्रिक ने किया, डब्ल्यू पी एलेक्जेंडर ने किया। तो 91 का यहाँ पे जो हमारा राइट हो जाएगा दोस्तों डब्ल्यू पी एलेक्जेंडर ने किया, यानी कि 91 का हमारा डी के साथ क्वेश्चन क्या बनेगा, राइट बन जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों 92 नंबर, और 92 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि बुद्धि के स्थान पर योग्यता शब्द का प्रयोग किस मनोवैज्ञानिक ने किया, बैलार्ड ने किया, फ्रीमैन ने किया, वुडवर्थ ने किया, या फिर दोस्तों स्टर्न ने किया।
तो 92 का तो हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा दोस्तों, फ्री मैन ने किया, यानी कि 92 का हमारा बी के साथ इक्वेशन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे दोस्तों 93 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि बुद्धि ज्ञान अर्जन करने की क्षमता है, या परिभाषा किस वैज्ञानिक ने दिया, बुद्धि ज्ञान अर्जन करने की क्षमता है या परिभाषा किसने दी, मन ने दिया, गाल्टन ने दिया, उडरो ने दिया, उडवर्थ ने दिया। तो 93 का यहाँ पे जो हमारा राइट हो जाएगा दोस्तों वो हमारा उडरो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 93 का हमारा सी के साथ क्वेश्चन क्या बनेगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 94 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, फ्रांसिस गाल्टन ने किया, कैटल ने किया, बिने ने किया, या फिर दोस्तों हमारा टर्मन ने किया। तो 94 का हमारा यहाँ पे हो जाएगा फ्रांसिस गाल्टन ने किया, यानी कि बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, फ्रांसिस गाल्टन ने किया। तो 94 का हमारा ए के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 95 नंबर, और 95 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि फ्रीमैन के अनुसार बुद्धि के कितने प्रकार हैं, 3, 2, 5, 4। दोस्तों यहाँ पे फ्रीमैन के अनुसार बुद्धि के कितने प्रकार हैं, 3, 2, 5, 4। तो 95 का हमारा यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों डी, यानी कि 4 हो जाएगा। 95 का हमारा डी के साथ क्वेश्चन क्या बनेगा, राइट बन जाएगा। अगला देखेंगे 96 नंबर देखते हैं दोस्तों। तो 96 नंबर क्वेश्चनों में कहा है कि परीक्षणों द्वारा मापी जाने वाली बुद्धि डॉट डॉट कहलाती है, जैविक बुद्धि कहलाएगी, मनोवैज्ञानिक बुद्धि कहलाएगी, सामाजिक बुद्धि कहलाएगी, संक्रियात्मक बुद्धि कहलाएगी। तो यहाँ पे 96 का जो हमारा राइट हो जाएगा दोस्तों, परीक्षणों द्वारा मापी जाने वाली बुद्धि कहलाती है, तो वो कहलाती है दोस्तों, आपको बता दूं कि संक्रियात्मक बुद्धि कहलाती है। 96 का हमारा डी के साथ क्वेश्चन क्या बनेगा, राइट बन जाएगा। अगला देखते हैं 97 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि अमूर्त चिंतन की क्षमता क्या है, अभिवृद्धि है, अभिवृत्ति है, अभिप्रेरणा है, विकास है, या फिर दोस्तों बुद्धि है। तो 97 का हमारा जो हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन, यानी कि बुद्धि है, यानी कि 97 का देखेंगे तो डी के साथ क्वेश्चन क्या बनेगा, राइट बन जाएगा। यानी कि अमूर्त चिंतन की क्षमता क्या है दोस्तों, बुद्धि है। 97 का हमारा डी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 98 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि बुद्धि के एक खंड सिद्धांत को निरंकुशवादी सिद्धांत की संज्ञा किसने दी, जॉनसन ने दिया, स्टर्न ने दिया, एबिंग हास ने दिया, साइमन ने दिया। तो 98 का हमारा जो यहाँ पे राइट हो जाएगा दोस्तों ए नंबर, यानी कि जॉनसन ने दिया। 98 का दोस्तों हमारा यहाँ पे ए के साथ ही क्वेश्चन क्या बनेगा, राइट बन जाएगा। और अगला हम लोग देखेंगे 99 नंबर, और यहाँ पे क्वेश्चन में कहा है कि किसने स्पीयरमैन के विशिष्ट कारक की आलोचना तथा सामान्य कारक का समर्थन करते हुए समूह कारक का सिद्धांत प्रतिपादन किया, थर्स्टन व कैली ने किया, थर्नडाइक ने किया, बिने ने किया, या फिर दोस्तों हमारा गिलफोर्ड ने किया। तो 99 का दोस्तों हमारा ए, यानी कि थर्स्टन व कैली ने किया था। 99 का दोस्तों हमारा यहाँ पे ए के साथ क्वेश्चन क्या बनेगा, राइट बन जाएगा। अगला देखेंगे दोस्तों 100 नंबर क्वेश्चन, और 100 नंबर क्वेश्चन पे कहा है कि किस मनोवैज्ञानिक ने बुद्धि का पदानुक्रमिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जॉन बी कैरोल ने, थर्स्टन व कैली ने, सिरिल बर्ट व बर्नन ने, बिने साइमन ने। तो 100 का यहाँ पे जो हमारा राइट हो जाएगा दोस्तों सी, सिरिल बर्ट व बर्नर ने, यानी कि 100 का हमारा सी के साथ क्वेश्चन क्या बनेगा, राइट बन जाएगा। अगला देखेंगे दोस्तों हम लोग यहाँ पे 101 नंबर, और 101 नंबर क्वेश्चन पे कहा है कि मनोविज्ञान में सर्वप्रथम किस मनोवैज्ञानिक ने यह कहा कि बुद्धि अविभाज्य नहीं बल्कि भाज्य होती है। मनोविज्ञान में सर्वप्रथम किस मनोवैज्ञानिक ने यह कहा कि बुद्धि अविभाज्य नहीं बल्कि भाज्य होती है, स्टर ने कहा था दोस्तों, थर्नडाइक ने कहा, स्पीयरमैन ने कहा, या फिर दोस्तों कैटल ने कहा। तो 101 का हमारा यहाँ पे सी, यानी कि स्पीयरमैन हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 101 का सी के साथ ही क्वेश्चन राइट होगा। और अगला हम लोग देखेंगे 102 नंबर,
यहाँ पे 102 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि मनुष्य का व्यवहार मुख्यतः किससे प्रेरित होता है, कौशल से, अभिक्षमता से, अभिवृत्ति से, बुद्धि से। तो 102 का हमारा राइट हो जाएगा दोस्तों, डी यानी कि बुद्धि हमारे इस क्वेश्चन में क्या बनेगा, राइट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम लोग, 103 नंबर। तो दोस्तों यहाँ पे पूछा गया क्वेश्चन में, कहा गया कि बुद्धि है, अब बुद्धि क्या है दोस्तों, यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं। कहा गया कि एक अकेला और जाति विचार है, दूसरों के अनुकरण करने की योग्यता है, एक विशिष्ट योग्यता है, सामर्थ्यों का एक समुच्चय है। तो अब ये बात बतानी है कि बुद्धि इनमें से क्या है। तो बुद्धि दोस्तों आपको बता दूं कि सामर्थ्यों का एक समुच्चय है, यानी कि 103 का अगर हम देखेंगे तो यहां पे डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 104 नंबर, और यहां पे कहा गया है कि निम्न में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है। एक तत्व सिद्धांत, द्वि तत्व सिद्धांत, प्रत्यागमन सिद्धांत, बहुतत्व सिद्धांत। तो इसका दोस्तों जो हो जाएगा, कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है कहा है, तो दोस्तों ये हो जाएगा प्रत्यागमन सिद्धांत, जो हमारा है बुद्धि का सिद्धांत नहीं है, बाकी के तो और सारे हैं। तो यानी कि 104 का अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 105 नंबर, 105 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि किसने बहुविमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय दिया, स्पीयरमैन ने दिया, गोलमैन ने दिया, मार्डनर ने दिया, मार्डनर जैसे गार्डनर लिखा है, गार्डनर ने दिया, जान मेयर ने दिया। तो किसने विमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय दिया था, तो दोस्तों गार्डनर ने ही दिया था, यानी कि 105 का हमारा यहाँ पे सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, स्पीयरमैन ने कारक दिए हैं। अब स्पीयरमैन ने दोस्तों कारक क्या दिया है, सामान्य कारक दिया है, विशिष्ट कारक दिया है, उपरोक्त दोनों दिया है, इनमें से कोई नहीं। तो स्पीयरमैन ने उपरोक्त दोनों दिए हैं, यानी कि सामान्य कारक भी दिया है और विशिष्ट कारक भी दिया है। तो 106 का हमारा सी के साथ ये क्वेश्चन क्या होगा, राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 107 नंबर, और यहां पे कहा है कि मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किया है, दोस्तों कौन सा प्रयोग किया है, थार्नडाइक ने प्रयोग किया था, गिलफोर्ड ने प्रयोग किया था, स्पीयरमैन ने किया था, या बिने साइमन ने किया था, मानसिक आयु के प्रत्यय का समर्थन प्रयोग किया, बिने साइमन ने किया था। यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो 107 का हमारा यहाँ पे डी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, 107 का डी ऑप्शन। अगला देखेंगे 108 नंबर, और 108 नंबर क्वेश्चन पे कहा है कि किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया, डेविड वेस्लर ने, एल्फ्रेड बिने ने, चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन ने, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने। तो यानी कि 108 का हो जाएगा दोस्तों, बता दूं आपको कि एल्फ्रेड बिने हमारा इस क्वेश्चन का बन जाएगा राइट आंसर, यानी कि 108 का हमारा बी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन ने पूछा था किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया, तो एल्फ्रेड बिने ने बुद्धि परीक्षण का सबसे पहले निर्माण किया था। अगला देखेंगे 109 नंबर, और यहां पे कहा है कि आधार आयु निम्न में से किसके मापन से संबंधित है, रुचि से, व्यक्तित्व से, बुद्धि से, अवधान से। आधार आयु निम्न में से किसके मापन से संबंधित है, तो दोस्तों 109 का जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन। 109 का हमारा सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बुद्धि, यानी कि 109 का सी के साथ राइट बनेगा। और अगला देखेंगे हम लोग 109 के बाद दोस्तों 110 नंबर, यहाँ पे कहा है कि निम्न में से कौन सा स्टर्नबर्ग का बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है, व्यवहारिक बुद्धि, प्रायोगिक बुद्धि, संसाधन पूर्ण बुद्धि, या फिर दोस्तों गणितीय बुद्धि। तो 110 का जो हमारा हो जाएगा यहाँ पे व्यवहारिक बुद्धि, यानी कि 110 का हमारा ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 110 के बाद दोस्तों 111 नंबर, और 111 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है कि बुद्धि का तरल मोजेक मॉडल किसने दिया था, बुद्धि का तरल मोजेक मॉडल किसने दिया था, दोस्तों कैटल ने दिया, गिलफॉर्ड एवं थर्स्टन ने दिया, या फिर दोस्तों थर्स्टन ने दिया, या फिर स्पीयरमैन ने दिया। तो 111 का जो हो जाएगा दोस्तों हमारा बुद्धि का तरल मोजेक मॉडल कैटल ने दिया था, 111 का हमारा
यहाँ पे ए के साथ ये क्वेश्चन क्या बनेगा, राइट बन जाएगा। अगला देखेंगे 112 नंबर क्वेश्चन, और 112 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार तार्किक गणितीय बुद्धि वाले एक व्यक्ति की क्या विशेषताएं हो सकती हैं, दृश्य स्थानायिक परिवेश को सटीक रूप से ग्रहण करने की योग्यता हो सकती है, या फिर दोस्तों संगीतमय अभिव्यक्तियों के आवाज के स्तर ताल एवं सौंदर्य परक गुणों को उत्पन्न करने एवं प्रशंसा करने की योग्यता हो सकती है, पैटर्न को खोजने की एवं तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता और संवेदनशील हो सकती है, या फिर दोस्तों ध्वनि ताल तथा शब्दों के अर्थ के प्रति संवेदनशीलता हो सकती है। तो 112 में कहा गया था हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार तार्किक गणितीय बुद्धि वाले एक व्यक्ति की विशेषता क्या हो सकती है, तो हो सकती है दोस्तों पैटर्न को खोजने की एवं तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता और संवेदनशीलता हो सकती है। यानी कि 112 का अगर यहाँ पे हम देखेंगे तो सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हमारा राइट बन जाएगा। अगला देखेंगे 113 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, कहा गया है कि थार्नडाइक ने बुद्धि का कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया, एक कारक सिद्धांत प्रतिपादित किया, द्वि कारक सिद्धांत प्रतिपादित किया, बहुकारक सिद्धांत प्रतिपादित किया, ग्रुप तत्व सिद्धांत प्रतिपादित किया। यानी कि 113 का जो हमारा हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों सी ऑप्शन यानी कि बहुकारक सिद्धांत हमारे इस क्वेश्चन का बन जाएगा राइट आंसर, यानी कि बहुकारक सिद्धांत। अगला देखेंगे 114 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है कि बुद्ध लब्ध स्तंभ प्रत्यय विकसित किया, बिने ने किया, रीड ने किया, टर्मन ने किया, कैटल ने किया। तो 114 का यहाँ पे जो हो जाएगा हमारा दोस्तों टर्मन ने किया। 114 का सी के साथ ये क्वेश्चन क्या बन जाएगा, राइट बन जाएगा, टर्मन ने। अगला देखेंगे 115 नंबर, और 115 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि बहुल बुद्ध सिद्धांत का विकास किसने किया। दोस्तों क्या दिया गया है यहाँ पे, दिया गया कि बहुल बुद्ध सिद्धांत का विकास किसने किया, अल्फ्रेड बिनेट ने किया, एल्थर्स टोन ने किया, चार्ल्स स्पीयरमैन ने किया, हार्वर्ड गार्डनर ने किया। 115 का हमारा जो यहाँ पे हो जाएगा डी ऑप्शन, हार्वर्ड गार्डनर ने किया। 115 का हमारा दोस्तों यहाँ पे डी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 116 नंबर, और 116 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है कि गार्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार वह कारक जो व्यक्ति के आत्मबोध हेतु सर्वाधिक योगदान देगा वह हो सकता है संगीतमय हो सकता है, आध्यात्मिक हो सकता है, भाषा विषयक हो सकता है, अंतःवैयक्तिक हो सकता है। तो 116 का हमारा जो राइट आंसर बन जाएगा दोस्तों यहाँ पे डी ऑप्शन, अंतःवैयक्तिक हो सकता है। यानी कि 116 का हमारा डी के साथ ये क्वेश्चन क्या बन जाएगा, राइट बन जाएगा। अगला देखेंगे 117 नंबर, और 117 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक बालक की वास्तविक आयु 12 वर्ष है तथा मानसिक आयु 15 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि होगी। तो दोस्तों हमको यहाँ पे क्या निकालना है, 117 का यहाँ पे हमको बुद्धिलब्धि बतानी है कि उसकी क्या हो जाएगी। तो दोस्तों अभी आपको बुद्धिलब्धि बराबर आप फार्मूला जानते हैं, अगर इसको आप निकालेंगे, देखिए मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, बुद्धिलब्धि बराबर जो फार्मूला अभी आपने पीछे पढ़ा है, बुद्धिलब्धि बराबर होता है मानसिक आयु, यहाँ पे मानसिक आयु बटे दोस्तों होता है वास्तविक आयु, तो यहाँ पे हमने रख लिया वास्तविक आयु, अब इनटू दोस्तों होता है हमारा 100, तो हमने 100 रख लिया। अब बस इसी फार्मूले पर रख दीजिए, मानसिक आयु यहाँ पे दोस्तों बताई गई है, ये मानसिक आयु बताई गई है 15, तो हमने यहाँ पे 15 वर्ष रख दिया, बटे दोस्तों वास्तविक आयु यहाँ पे बताई गई है ये 12, तो यहाँ पे हमने 12 रख दिया। अब इनटू दोस्तों 100 होता है, हमने 100 रख दिया। अब दोस्तों क्या करेंगे, अगर इसको हम कट करेंगे तो ये दोस्तों हमारा ये कट जाएगा 3 से, 3 चौक 12 हो जाएगा, 3 पच्चे 15 हो जाएगा, 4 से दोस्तों अगर हम 100 को काटेंगे तो 4 25 हम 100 हो जाएगा, अब 25 का गुणा जब दोस्तों हम 5 में कर देंगे तो फाइनली हमारा 125 आ जाएगा। यानी कि बुद्धि लब्धि दोस्तों कितनी आ गई, 125। यानी कि आंसर देखें तो 117 का हमारा ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के 117 का यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन क्या हो गया दोस्तों, राइट हो गया।
अगला देखेंगे हम लोग 117 के बाद दोस्तों 118 नंबर, और 118 नंबर क्वेश्चन पे कहा गया है कि एक बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष है एवं वास्तविक आयु 10 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्ध ज्ञात कीजिए। अभी अभी क्वेश्चन हम लोग दोस्तों हल किए हैं पिछला क्वेश्चन, तो यहाँ पे हम जानते हैं कि बुद्धि लब्धि बराबर फार्मूला जो होता है वो होता है व्यक्ति की मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। मानसिक आयु दोस्तों 12 है, वास्तविक आयु बटे 10 है, इंटू दोस्तों 100 होता है, तो ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, फाइनली आ जाएगा 120 हमारा आ जाएगा बुद्धि लब्धि। तो बुद्धि लब्धि यानी कि 120 आ गया। तो ऑप्शन नंबर देखें तो 118 का हमारा यहाँ पे सी के साथ क्वेश्चन क्या हो गया, राइट हो गया। यानी कि 118 का देखें तो कौन सा राइट बन जाएगा दोस्तों हमारा, सी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 118 के बाद दोस्तों 119 नंबर, यहाँ पे कहा गया कि हार्वर्ड गार्डनर बहुबुद्ध सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बुद्धि के प्रकार और अंत स्थित अनुपालन संभावना के अनुसार सही है। बुद्धि का प्रकार, अंत स्थित अनुपालन का संभावना, दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि एक साइड में बुद्धि के प्रकार बताए गए हैं, दूसरे प्रकार में बताए गए हैं अंत स्थित अनुपालन संभावनाएं बताई गई हैं कि कौन किससे सही है ये बात बताना है, और बाकी के सारे दोस्तों गलत हैं, कोई एक ही सही होगा। तो स्थानिक जो दोस्तों लिखा है, स्थानिक का जो यहाँ पे लिखा आगे मनोवैज्ञानिक, तो ये जो हो जाएगा दोस्तों हमारा यानी कि स्थानिक का मनोवैज्ञानिक, ये दोस्तों क्या है गलत लिखा है, तो ये तो सही नहीं होगा, यानी कि स्थानिक का मनोवैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक नहीं होता। फिर अगला है अंतरावैयक्तिक, तो दोस्तों विक्रेता लिखा, ये भी हमारा रॉन्ग है। फिर लिखा है भाषिक, यानी कि भाषिक का मूर्तिकार, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। यानी कि बच्चा क्या हमारा शारीरिक गति संवेदना का खिलाड़ी होता है, दोस्तों यही हमारे इस कथन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। तो 119 का हमारा डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 119 का डी ऑप्शन होगा राइट। अगला देखते हैं दोस्तों हम लोग यहाँ पे 120 नंबर, और 120 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि शारीरिक गतिक बुद्धि रखने वाले बच्चे की अंतिम अवस्था निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती है, शल्य चिकित्सक हो सकती है, कवि हो सकती है, वाचक हो सकती है, राजनैतिक नेता हो सकती है। तो 120 का यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों शारीरिक गतिक बुद्धि रखने वाले बच्चे की अंतिम अवस्था निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती है दोस्तों, तो शल्य चिकित्सक हो सकती है। यानी कि 120 का देखेंगे तो ए के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों 121 नंबर, यहाँ पे कहा है कि गार्डनर ने 7 अभियोग्यताओं का अधिमान निर्धारित किया, इनमें से कौन सा सही नहीं है, स्थान संबंधी अभियोग्यता, भावनात्मक अभियोग्यता, अंतरवैयक्तिक अभियोग्यता, भाषात्मक अभियोग्यता। तो 121 का दोस्तों जो हमारा हो जाएगा, यानी कि गार्डनर ने 7 अभियोग्यताओं का अधिमान निर्धारित किया, इनमें से दोस्तों भावनात्मक अभियोग्यता इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा 121 का बी ऑप्शन। अगला देखते हैं हम लोग दोस्तों यहाँ पे 122 नंबर जो दिया गया है, 122 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि बुद्धि लब्धि है दोस्तों क्या है, मानसिक आयु है, संवेगात्मक आयु है, वास्तविक आयु है, सामाजिक आयु है। तो 122 का बुद्धि लब्ध दोस्तों हमारी मानसिक आयु होती है, यानी कि 122 का ए के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 100 दोस्तों यहाँ पे 22 के बाद दोस्तों 123 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि सामान्य तथा विशिष्ट कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, अल्फ्रेड बिने ने किया, स्पीयरमैन ने किया, गिलफोर्ड ने किया, थर्स्टर्न ने किया। यानी कि 123 का देखेंगे तो बी ऑप्शन यानी कि स्पीयरमैन ने किया। 123 का हमारा बी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 124 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, कहा गया है कि बुद्ध की स्पीयरमैन परिभाषा में कारक जी है। अब दोस्तों यहाँ पे जो कारक जी है इसको बताना है कि क्या है, बुद्ध की स्पीयरमैन परिभाषा में कारक जी है, आनुवंशिक बुद्धि है, उत्पादक बुद्धि है, सामान्य बुद्धि है, वैश्विक बुद्धि है। तो 124 का यहाँ पे सी यानी कि सामान्य बुद्धि है, यानी कि 124 का हमारा सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट बन जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों,
और दोस्तों आपको बता दूं कि होप्स हो आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो और सीरीज हमारी पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और दोस्तों यदि आप चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। दोस्तों आप हमारे व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, इसके लिए दोस्तों आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप पर लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। दोस्तों ग्रुप में जुड़ने से बेनिफिट आपको इस बात का होगा कि इन सारे क्वेश्चनों का हल सहित पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और दूसरी बात दोस्तों, यदि आपका किसी प्रकार का कोई सुझाव हो या कोई डप्ट या क्यूरी हो तो आप वहाँ पे ग्रुप में जुड़ करके मैसेज के थ्रू या फिर दोस्तों आप अपना डप्ट भेज करके उन सभी चीज़ों का सलूशन या सॉल्व पा सकते हैं। तो दोस्तों, तो आप लोग अगर सीटेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हों और सीटेट में अच्छा स्कोर गेन करना चाहते हों और CDP की क्लास दोस्तों हमारे यहाँ इस चैनल पर करवाई जा रही है, तो दोस्तों अगर आप लोग CDP में अच्छा स्कोर गेन करना चाहते हो तो आप हमारे इस वीडियो से साथ मेरे सिर से जुड़ना बिल्कुल भूलें, क्योंकि आने वाले एग्जामों के लिए सीरीज हमारी बेहद ही महत्वपूर्ण होगी। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यहाँ पे सॉल्व करवाए जा रहे हैं CDP के। चलिए हम लोग अब ये क्वेश्चन देखते हैं, अपना 125 नंबर। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा 125 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि बहुबुद्धि के सिद्धांत के संदर्भ में एयरफोर्स पायलट बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि की आवश्यकता है? अंतावैयक्तिक बुद्धि, भाषिक बुद्धि, गतिक बुद्धि, अंतरावैयक्तिक बुद्धि। तो 125 का यहाँ पे हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, गतिक बुद्धि। कुल मिलाकर के दोस्तों देखें तो 125 का हमारा सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे हम लोग 126 नंबर क्वेश्चन। 126 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि बुद्धि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? बुद्धि को केवल मानकीकृत बुद्धि लब्धि परीक्षणों के आयोजन के द्वारा विश्वसनीय रूप से निर्धारित किया जा सकता है। बी ऑप्शन, बुद्धि मूलभूत रूप से स्नायु तंत्र संबंधी कार्य प्रणाली है, उदाहरणार्थ प्रक्रमण की गति संवेदी विभेद आदि। अगला है दोस्तों सी ऑप्शन, बुद्धि विद्यालय में अच्छा प्रदर्शन करने की योग्यता है। डी ऑप्शन, बुद्धि बहुआयामी है और इसमें कई पहलू निहित है। तो 126 का यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों हमारा डी ऑप्शन, यानी कि बुद्धि बहुआयामी है और इसमें कई पहलू निहित है। 126 का यहाँ पे हमारा डी के साथ दोस्तों क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 127 नंबर क्वेश्चन पे कहा गया कि मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था, बीने साइमन ने दिया था, ईस्टर्न ने दिया था, टर्मन ने दिया, सिरिल बर्ट ने दिया। तो 127 का हमारा यहाँ पे हो जाएगा बिने साइमन ने दिया था। 127 का ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 128 नंबर में आ जाते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे 128 नंबर पे दोस्तों दिया गया है कि बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे? कैटल है दोस्तों, थार्डाइक है, वर्नन है और स्किनर है। तो 128 का दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन, यानी कि कैटल इस क्वेश्चन का हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों हम लोग 128 के बाद दोस्तों 129 नंबर, और यहाँ पे दिया गया है कि कक्षा अध्यापक ने राघव को अपनी कक्षा में अपने कीबोर्ड पर स्वयं द्वारा तैयार किया गया मधुर संगीत बजाते हुए देखा। कक्षा अध्यापक ने विचार किया कि राघव में डॉट डॉट बुद्धि उच्च स्तरीय थी। अब दोस्तों कौन सी बुद्धि उच्च स्तरीय रही होगी? यहाँ पे स्थानायिक बुद्धि उच्च स्तरीय रही होगी, कि शारीरिक गतिबोधक रही होगी, कि संगीतमय रही होगी, या फिर दोस्तों भाषाई रही होगी। तो 129 का यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, जैसे संगीत बढ़िया बनाया है दोस्तों, तो संगीत से ही रिलेटेड, यानी कि संगीतमय हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 129 का सी हमारे इस क्वेश्चन का राइट बनेगा। और अगला देखेंगे 130 नंबर, यहाँ पे कहा है कि बिने साइमन परीक्षण द्वारा मापन किया जाता है सामान्य बुद्धि का, विशिष्ट बुद्धि का, अभिवृत्ति का, अभिक्षमता का। तो यहाँ पे बिने साइमन परीक्षण द्वारा मापन किया जाता है दोस्तों, किस प्रकार की बुद्धि का मापन किया जाता है? सामान्य बुद्धि का मापन किया जाता है। 130 का हमारा ए के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 131 नंबर, और 131 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि बुद्धि लब्धि के संबंध में क्या सत्य है? बौद्धिक आयु में व्युत्क्रमी संबंधित है, कालानुक्रमिक आयु से प्रत्यक्षतः संबंधित है,
कालानुक्रमिक आयु से व्युत्क्रमी संबंधित है या फिर दोस्तों बौद्धिक तथा कालानुक्रमिक आयु दोनों से प्रत्यक्षता संबंधित है। 131 का हमारा यहाँ पे सी ऑप्शन यानी कि कालानुक्रमिक आयु से व्युत्क्रमी संबंधित है। 131 का देखेंगे तो सी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 132 नंबर, और 132 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि भाटिया बैटरी परीक्षण का प्रयोग निम्न में किसके मापन हेतु किया जाता है, व्यक्तित्व के मापन हेतु, या फिर दोस्तों रुचि के मापन हेतु, या फिर दोस्तों बुद्धि के मापन हेतु, या फिर हमारा अभिक्षमता के मापन हेतु। तो 132 का हमारा सी यानी कि बुद्धि के मापन हेतु, 132 का हमारा दोस्तों क्या राइट हो जाएगा, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बनेगा राइट आंसर। अगला देखेंगे हम लोग दोस्तों 133 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि यदि एक बच्चे की मानसिक उम्र 5 वर्ष तथा वास्तविक 4 वर्ष है तो उस बच्चे की आईक्यू होगी। अब दोस्तों यहां पे देख लीजिएगा, कहा गया कि उसकी आईक्यू पूछा गया, मानसिक आयु दोस्तों कितनी बताई गई है, 5 वर्ष, तो 5 हम लिख देंगे, और फिर बटे वास्तविक आयु 4 बताई गई है, 4 लिख देंगे, और फिर यहां पे होता है 100, यानी कि फार्मूला होता है आईक्यू बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। 4 से इसको दोस्तों 100 को कट करेंगे तो 25 आ जाएगा, 25 पंचे हमारा 125 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो 133 का हमारा ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट बन जाएगा। 133 का ऑप्शन नंबर हमारा ए इस क्वेश्चन का राइट बनेगा। अगला देखते हैं दोस्तों हम लोग यहाँ पे 134 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु 8 वर्ष है, उसका बुद्धिलब्ध कितनी होगी। अब दोस्तों देख लीजिए यहाँ पे मानसिक आयु बताया गया है, 5 वर्ष के मोहन की मानसिक आयु बता दी गई है 8 वर्ष, मानसिक आयु 8 वर्ष। अब 5 वर्ष का मोहन यानी कि वास्तविक आयु उसकी कितनी है, 5 वर्ष है, इंटू हो जाएगा 100। दोस्तों ये हो जाएगा बुद्धिलब्ध यानी कि आईक्यू बराबर, 5 से अगर इसको हम कट करेंगे तो 20 बार में कट जाएगा, 20 अट्ठे दोस्तों हमारा हो जाएगा 160, यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो 160 हमारा बी पे मैच कर रहा है, इसलिए दोस्तों 134 का हमारा बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 134 का बी के साथ हम इसको टिक करेंगे और अगला देखेंगे 135 नंबर। 135 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है कि एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है कि बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है, पेपर पेंसिल परीक्षण सहायक नहीं है, प्रभावी अध्यापन के द्वारा बुद्धि बढ़ाई जा सकती है, बुद्धि तेजी से बढ़ाई जा सकती है। तो यहां पे जो 135 का हो जाएगा कि एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है कि बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है, यानी कि 135 का अगर देखेंगे तो ए के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 136 नंबर क्वेश्चन, और 136 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है कि स्पीयरमैन 1904 के अनुसार तर्क करने की क्षमता और समस्या समाधान करने की क्षमता कहलाती है, एस कारक कहलाती है, जी कारक कहलाती है, विशिष्ट बुद्धि कहलाती है, सांस्कृतिक बुद्धि कहलाती है। तो 136 का यहां पे हो जाएगा हमारा बी, जी कारक कहलाती है। 136 का हमारा बी के साथ ये क्वेश्चन क्या बनेगा, राइट बन जाएगा। अगला देखेंगे दोस्तों 137 नंबर क्वेश्चन, यहां पे कहा है कि हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत डॉट डॉट पर बल देता है, समान बुद्धि पर बल देता है, विद्यालय में आवश्यक समान योग्यताओं पर बल देता है, प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पर बल देता है, शिक्षार्थियों में अनुबंधित कौशलों पर बल देता है। तो 137 का यहाँ पे हमारा हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन, प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पर बल देता है। 137 का सी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट बन जाएगा। और अगला देखेंगे 138 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे कहा है कि बहुविध बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता कहलाती है, तार्किक गणितीय बुद्धि कहलाती है, प्राकृतिक बुद्धि कहलाती है, भाषिक बुद्धि कहलाती है, या फिर दोस्तों स्थानिक बुद्धि कहलाती है। तो 138 का यहाँ पे हो जाएगा हमारा प्राकृतिक बुद्धि कहलाती है। 138 का यहाँ पे बी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट बन जाएगा। चलिए दोस्तों
अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो पहला क्वेश्चन है इसमें दिया गया है, कहा गया है कि मूक एवं बधिरों की बुद्धिमत्ता का परीक्षण होता है निष्पत्ति परीक्षण, अमौखिक बुद्धिमत्ता परीक्षण, मौखिक बुद्धिमत्ता परीक्षण। डी ऑप्शन पे दिया गया है एक व दो दोनों परीक्षण, यानी कि एक में और दो में जो दो परीक्षण दिए गए हैं कहा गया कि क्या वो दोनों होते हैं, यानी निष्पत्ति परीक्षण और अमौखिक बुद्धिमत्ता परीक्षण। तो मूक एवं बधिरों की बुद्धिमत्ता का परीक्षण निष्पत्ति परीक्षण, अमौखिक बुद्धिमत्ता परीक्षण, यानी कि एक व दो दोनों के अकॉर्डिंग ये ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी कि एक का देखें तो यहाँ पे डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन हम लोग, सेकंड नंबर क्वेश्चन, और यहाँ पे दिया गया है, कहा गया कि मैं किसी की परवाह नहीं करता ऐसी अभिवृत्ति वाले बच्चों के व्यवहार को कहते हैं रुचि कहते हैं, अभिवृत्ति कहते हैं, अभिक्षमता कहते हैं, बुद्धि कहते हैं। तो दूसरा का जो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, अभिक्षमता हमारे इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला हम लोग देखेंगे थर्ड नंबर क्वेश्चन, और थर्ड नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, कहा गया कि बाल अपराध के उपचार हेतु कौन सा तरीका सही है, बाल कारागार में भेजा जाए, व्यवसायिक चिकित्सा दी जाए, साथियों के साथ रखा जाए, उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पे बाल अपराध के उपचार हेतु दोस्तों कौन सा तरीका सही है, यानी कि बाल कारावास में भी भेजा जाए और व्यवसायिक चिकित्सा दी जाए और साथियों के साथ रखा जाए। तो कुल मिला के तीनों ऑप्शन सही समझ में आ रहे हैं, यानी कि उपर्युक्त सभी हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। यानी कि तीन का डी के साथ ये क्वेश्चन क्या होगा, राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे चार नंबर क्वेश्चन, और चार नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है कि अधिगम कर्ता वैयक्तिक भिन्नताएं प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को विविध अधिगम उपलब्ध कराने चाहिए, कठोर अनुशासन लागू करना चाहिए, परीक्षाओं की संख्या बढ़ानी चाहिए, अधिगम की समान गति पर बल देना चाहिए। तो चौथे का यहाँ पे जो हो जाएगा दोस्तों, अधिगम कर्ता वैयक्तिक भिन्नताएं प्रदर्शित करते हैं, विविध अधिगम उपलब्ध कराने चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर देखेंगे तो चार का यहाँ पे हमारा ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे पांच नंबर क्वेश्चन, पांच नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है कि ज्ञानात्मक पक्ष का अंतिम स्वर है बोध है, विश्लेषण है, संश्लेषण है, मूल्यांकन है। तो पांचवें का जो हमारा राइट हो जाएगा दोस्तों हमारा डी ऑप्शन, मूल्यांकन है। तो पांच का यहाँ पे डी के साथ ये क्वेश्चन क्या होगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे हम लोग यहाँ पे छह नंबर क्वेश्चन पे, कहा गया कि समस्यात्मक बालक नहीं है, मंद बुद्धि वाला नहीं है, झूठ बोलने वाला नहीं है, चोरी करने वाला नहीं है, माता पिता का कहना ना मानने वाला नहीं है। यानी कि समस्यात्मक बालक जो होता है दोस्तों वो नहीं है, मंद बुद्धि वाला नहीं है। यानी कि छह का देखें तो यहाँ पे ए के साथ ये क्वेश्चन क्या होगा, राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं सात नंबर क्वेश्चन, और सात नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है कि एक बालक संगीत की अद्वितीय प्रतिभा का धनी है, उसके लिए कौन सी श्रेणी सर्वश्रेष्ठ है, प्रतिभाशाली, विशिष्ट, सृजनशीलता, बुद्धिमान। यानी कि सात का देखें तो इसका जो राइट आंसर बन जाएगा दोस्तों, विशिष्ट हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा सात का बी। सेवन के बी में कहा था कि एक बालक संगीत की अद्वितीय प्रतिभा का धनी है, उसके लिए कौन सी श्रेणी सर्वश्रेष्ठ है दोस्तों, तो विशिष्ट श्रेणी हमारी सर्वश्रेष्ठ होती है। आठ नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और आठ नंबर क्वेश्चन पे कहा है कि प्रतिभाशाली बालक गुण अर्जित करते हैं शैशवावस्था में, जन्मजात में, किशोरावस्था में, या फिर दोस्तों बाल्यावस्था में। तो आठ का जो हो जाएगा दोस्तों हमारा जन्मजात में, यानी कि आठ का हमारा बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे आठ के बाद दोस्तों नौ नंबर क्वेश्चन, और नौ नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है कि कौन सा कृत्य अपराधी कृत्य के अंतर्गत आता है, दिवा स्वप्न देखना, ग्रहकार नहीं करना, जुआ खेलना, कक्षा में नींद लेना, यानी कि कौन सा कृत्य अपराधी कृत्य के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे जो नौ का हो जाएगा दोस्तों, जुआ खेलना हमारा एक प्रकार से अपराध है, ये अपराधी कृत्य के अंतर्गत आता है। यानी कि नौ का देखें तो सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे दस नंबर क्वेश्चन, दस नंबर के क्वेश्चन में कहा है कि बाल अपराधियों की आयु होती है 18 वर्ष से कम होती है, 18 वर्ष से अधिक होती है, 3 से 16 वर्ष होती है, 5 से 15 वर्ष होती है।
तो जो बाल अपराधियों की आयु होती है वो 18 वर्ष से कम होती है। जो बाल यानी कि बाल मतलब दोस्तों जो 18 वर्ष से कम की उम्र के होंगे तो वो बालावस्था में आएंगे, और यानी कि 18 वर्ष से कम आयु के जो होते हैं वो बाल अपराधी की श्रेणी में आते हैं। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे देखेंगे तो 10 का हमारा ए के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन, और 11 नंबर क्वेश्चन पे जो दिया गया है, कहा गया कि निष्पत्ति परीक्षणों का सबसे अधिक उपयोग है। दोस्तों चार ऑप्शन है इसमें दिया गया कि श्रेणी विभाजन है, प्रेरकों में है, अधिगम में है, छात्र वर्गीकरण में है। निष्पत्ति परीक्षणों का सबसे अधिक उपयोग है दोस्तों कहाँ पे है, वो है छात्र वर्गीकरण में है। निष्पत्ति परीक्षणों का सबसे अधिक उपयोग छात्र वर्गीकरण में होता है, यानी कि 11 का देखेंगे तो डी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 12 नंबर, और 12 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि डिसग्राफिया संबंधित है मानसिक विकार से, गणितीय विकार से, लेखन संबंधी विकार से, व्यवहारगत विकार से। तो 12 का जो हमारा राइट हो जाएगा दोस्तों सी, यानी कि लेखन संबंधी विकार से, यानी कि 12 का सी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन, और 13 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है कि निम्न में से बाल अपराध का कारण नहीं है, गरीबी, निराशा, असफलता और शिक्षा। तो 13 का यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर बन जाएगा दोस्तों डी, यानी कि शिक्षा हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि निम्न में से बाल अपराध का कारण नहीं है दोस्तों, कौन सा नहीं है, शिक्षा हमारा हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन, और यहाँ पे कहा गया कि अधिगम अक्षमता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, कार्ल रोजर्स ने किया, सैमुअल किर्क ने किया, आल पोर्ट ने किया, थार्नडाइक ने किया। तो 14 का हो जाएगा यहाँ पे बी, सैमुअल किर्क ने हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर। यानी कि 14 का बी के साथ ये क्वेश्चन राइट बन जाएगा, यानी कि अधिकम अक्षमता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग सैमुअल किर्क ने किया था। अगला देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन, और 15 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, कहा गया है कि बालक की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए, तत्काल, फुर्सत में, फू और कुछ समय बाद, उपर्युक्त सभी। तो बालक की जिज्ञासा जो होती है दोस्तों वो शांत करनी चाहिए, तत्काल शांत करनी चाहिए। तो 15 का अगर देखें तो यहाँ पे ए हमारे इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन, और 16 नंबर क्वेश्चन पे कहा है कि समस्यात्मक बालक में कौन सा अवगुण पाया जाता है, क्रोध करना, चोरी करना, झूठ बोलना, उपर्युक्त सभी। तो 16 का जो हमारा हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे उपर्युक्त सभी, यानी कि समस्यात्मक बालक में कौन सा अवगुण पाया जाता है दोस्तों, तो क्रोध करना भी पाया जाता है, चोरी करना भी पाया जाता है, झूठ बोलना भी पाया जाता है, कुल मिला के ये सभी अवगुण पाए जाते हैं, उपर्युक्त सभी हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर। तो 16 का डी के साथ ये क्वेश्चन राइट बनेगा। और अगला हम लोग देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन, 17 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि एम्बीडेक्ट्रस व्यक्ति वे होते हैं जो दोनों हाथों का समान रूप से उपयोग कर सकते हैं, दोनों भाषाएं बोल सकते हैं, जो बहरे होते हैं लेकिन मूक नहीं, जिनके माता पिता विभिन्न राष्ट्रीयता रखते हैं। तो 17 का यहाँ पे जो हो जाएगा दोस्तों, दोनों हाथों का समान रूप से उपयोग कर सकते हैं, उनको एम्बीडेक्ट्रस व्यक्ति बोला जाता है। यानी कि 17 का अगर हम देखेंगे तो ए के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 18 नंबर, और 18 नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है, यहाँ पे कहा गया कि बाल अपराधी होने के मनोवैज्ञानिक कारण है, मानसिक विकार, हीन भावना, संवेगात्मक असंतुलन, उपर्युक्त सभी। तो 18 का यहाँ पे जो हो जाएगा हमारा डी, यानी कि उपर्युक्त सभी हमारे इस क्वेश्चन क्या बनेगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे बालकों में आत्मविश्वास बढ़ाने का एक तरीका कौन सा, इसका क्वेश्चन का राइट हो जाएगा, उसे आवश्यक कौशलों में विशेष प्रशिक्षण दिया जाए। यानी कि बालकों में आत्मविश्वास बढ़ाने का एक तरीका कौन सा है, उसे आवश्यक कौशलों में विशेष प्रशिक्षण दिया जाए। यानी कि 19 का अगर हम देखेंगे तो बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन, और 20 नंबर क्वेश्चन पर दिया गया कि कौन सी समस्या शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में आती है, शैक्षिक पिछड़ापन, शिक्षकों की अनुपस्थित, विद्यालयों में कम नामांकन, शिक्षा के गिरते स्तर। तो 20 का यहाँ पे जो राइट हो जाएगा दोस्तों हमारा शैक्षिक पिछड़ापन। तो 20 का हमारा ए के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन, और 21 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि निम्न में से
छात्र केंद्रित विधि नहीं है, प्रयोजना विधि नहीं है, व्याख्यान विधि नहीं है, समस्या समाधान विधि नहीं है, उपर्युक्त सभी यानी कि कोई भी विधि नहीं है। तो 21 का जो हमारा हो जाएगा दोस्तों, निम्न में से छात्र केंद्रित विधि नहीं है तो वो है दोस्तों व्याख्यान विधि नहीं है। 21 का हमारा बी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन, और 22 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है कि कौन सा कारक समस्या समाधान में बाधक हो सकता है। बुद्धि हो सकता है, रुचि हो सकता है, मानसिक वृत्ति हो सकता है, पूर्व अधिगम सार हो सकता है। तो 22 का यहाँ पे दोस्तों हमारा हो जाएगा मानसिक वृत्ति हो सकती है। तो 22 का हमारा सी के साथ क्वेश्चन क्या बनेगा, राइट बन जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन, और 23 नंबर के क्वेश्चन में दिया गया है कि किसी व्यक्ति द्वारा अपना अस्तित्व भुलाकर किसी दूसरे व्यक्ति के गुणों व अवगुणों का अनुकरण करना कहलाता है। प्रेक्षण कहलाएगा, दमन कहलाएगा, प्रत्यावर्तन कहलाएगा, तदात्मीकरण कहलाएगा। तो 23 का यहाँ पे जो हो जाएगा दोस्तों, आपको बता दूं कि किसी व्यक्ति द्वारा अपना अस्तित्व भुलाकर किसी दूसरे व्यक्ति के गुणों व अवगुणों का अनुकरण करना कहलाता है, तदात्मीकरण कहलाता है, तदात्मीकरण। यानी कि 23 का हमारा जो राइट हो जाएगा दोस्तों, डी के साथ क्वेश्चन क्या बनेगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 24 नंबर, और 24 नंबर क्वेश्चन में हमारा कहा गया है कि किस विधि में शिक्षक सक्रिय व बालक निष्क्रिय रहता है। यानी कि कौन सी ऐसी विधि होती है जिसमें शिक्षक तो सक्रिय रहेगा लेकिन बालक निष्क्रिय हो जाएगा। अब प्रश्नोत्तर विधि में, कहानी विधि में, अवलोकन विधि में, ऊपर सभी विधि में, यानी कि कुल मिलाकर के यानी शिक्षक सक्रिय रहेगा बालक निष्क्रिय रहेगा, तो वो विधि होती है कहानी विधि। यानी कि 24 का देखेंगे तो 24 का बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 24 के बाद दोस्तों 25 नंबर क्वेश्चन, तो 25 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है कि जो विद्यार्थी मारकाट या लड़ाई झगड़ा करते हैं उनका खिलाड़ी मुक्केबाज के रूप में स्थापित होना कौन सी रक्षा युक्ति है। जो खिलाड़ी मारकाट या लड़ाई झगड़ा करते हैं उनका खिलाड़ी मुक्केबाज के रूप में स्थापित होना कौन सी रक्षा युक्ति है। शोधन युक्ति है, शुद्धिकरण है, मार्गांतरीकरण है, उपर्युक्त सभी है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बन जाएगा हमारा उपर्युक्त सभी, इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 25 का हमारा डी के साथ ये क्वेश्चन क्या होगा, राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं हम लोग 26 नंबर क्वेश्चन, 26 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि एक बालक अनुपयोगी प्लास्टिक थैलियों से कलात्मक वस्तु बनाता है। जो बालक है प्रतिभाशाली बालक है, मंदबुद्धि बालक है, पिछड़ा बालक है, सृजनशील बालक है। कहा गया क्वेश्चन में एक बालक अनुपयोगी प्लास्टिक थैलियों से यानी कि जो उपयोग में प्लास्टिक थैलियां नहीं है उससे कलात्मक वस्तु बनाता है, तो यानी कि वो बालक क्या कहलाएगा, प्रतिभाशाली बालक कहलाएगा, मंद बुद्धि कहलाएगा, या फिर दोस्तों पिछड़ा बालक कहलाएगा, या सृजनशील बालक कहलाएगा। तो दोस्तों आपको बता दूं कि सृजनशील बालक कहलाएगा। 26 का हमारा डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर, और 27 नंबर क्वेश्चन पे हमारा दिया गया है कि मोटे तौर पर बाल अपराध शब्द किसी कानून के भंग किए जाने का उल्लेख करता है, या परिभाषा किसकी है, गुड की है, वेलेंटाइन की है, काल्सनिक की है, गिलबर्ट की है। तो 27 का हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे वेलेंटाइन की है, यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो 27 का हमारा बी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन में कहा गया था कि मोटे तौर पर बाल अपराध शब्द किसी कानून के भंग किए जाने का उल्लेख करता है, यह परिभाषा किसने दिया था दोस्तों, तो वेलेंटाइन ने दिया था। अगला देखेंगे 28 नंबर क्वेश्चन, और 28 नंबर क्वेश्चन में था कि बाल अपराध श्रेणी में न्यूनतम आयु वर्ग निर्धारित है दोस्तों 16 वर्ष, 17 वर्ष, 18 वर्ष, 24 वर्ष। बाल अपराध श्रेणी में न्यूनतम आयु वर्ग निर्धारित है, तो इसका जो हो जाएगा दोस्तों 18 वर्ष निर्धारित है, यानी कि 28 का देखेंगे तो सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट बन जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों हम लोग 29 नंबर क्वेश्चन, और 29 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से .. में भिन्न होते हैं, विकास क्रम में भिन्न होते हैं, विकास की सामान्य क्षमता में भिन्न होते हैं, विकास की दर में भिन्न होते हैं, वृद्धि एवं विकास के सिद्धांतों में भिन्न होते हैं। तो 29 का यहाँ पे जो हो जाएगा दोस्तों, विकास की दर में भिन्न होते हैं। 29 का हमारा सी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा।
अगला देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन, और 30 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि शिक्षार्थी वैयक्तिक भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देनी चाहिए, कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए, सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए, इनमें से कोई नहीं कराना चाहिए। तो 30 का यहाँ पे जो हमारा राइट हो जाएगा दोस्तों, शिक्षार्थी वैयक्तिक भिन्नता प्रदर्शित करते हैं कब दोस्तों, सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए, यानी कि 30 का देखेंगे तो सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला हम लोग देखेंगे 30 के बाद दोस्तों 31 नंबर क्वेश्चन, और 31 नंबर क्वेश्चन पे हमारा दिया गया है कि दृष्टि हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है, दृष्टि बहुत जल्दी ही मतलब हर एक पाठ को सीख लेती है। तो फिर दोस्तों यहाँ पे कहा गया है कि जबकि कांता उसे सीखने में ज्यादा समय लेती है, यह विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है। दृष्टि हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है जबकि कांता उसे सीखने में ज्यादा समय लेती है, यह विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है। वैयक्तिक भिन्नता को दर्शाता है, सरल से कठिन की ओर दर्शाता है, निरंतरता दर्शाता है, अंतः संबंध दर्शाता है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि यह जो हमारा है दोस्तों विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है, यह वैयक्तिक भिन्नता को दर्शाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 31 का हमारा यहाँ पे ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 32 नंबर क्वेश्चन, और 32 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया गया है, यहाँ पे कहा गया है कि स्मृति का स्थान मस्तिष्क में नहीं अपितु शरीर के अवयवों में है, यही कारण है कि हम करके सीखते हैं, यह कथन किसका है। बंकिंघम का है, डॉक्टर मिस का है, एडलर का है, कार्ल सनिक का है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर बन जाएगा, आपको बता दूं कि स्मृति का स्थान मस्तिष्क में नहीं अपितु शरीर के अवयवों में है, यही कारण है कि हम करके सीखते हैं, यह कथन किसका है। तो डॉक्टर मिस का है, यानी कि 32 का हमारा यहाँ पे बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग दोस्तों 33 नंबर क्वेश्चन, और 33 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि समस्यात्मक बालक होते हैं, झूठ बोलने वाले, क्रोध करने वाले, चोरी करने वाले, उपर्युक्त सभी होते हैं। तो 33 का दोस्तों हमारा समस्यात्मक बालक उपर्युक्त सभी कैटेगरी के अंतर्गत आ जाएंगे। तो 33 का हमारा यहाँ पे डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। होप सो दोस्तों आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, और दोस्तों यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का डाउट या डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, या फिर दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको बता दूं कि हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। दोस्तों ग्रुप में जुड़ने से बेनिफिट आपको इस बात का होगा कि इन सारे क्वेश्चनों का हल सहित आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा, और दूसरी बात दोस्तों यदि आपका किसी प्रकार का कोई सुझाव या डाउट या क्यूरी हो तो आप वहां पे उसको भेज करके मैसेज करके उसका सोल्यूशन भी प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको वीडियो सीरीज हमारी पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, और दोस्तों यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। क्योंकि दोस्तों आपको बता दूं कि यदि आप सीटेट एग्जाम देने वाले हैं और सीडीपी में अच्छे स्कोर गेन करना चाहते हैं तो आप हमारे इस वीडियो से साथ में से जुड़ना बिल्कुल भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों यहां पे जितने भी क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं प्रीवियस ईयर में पूछे गए सारे क्वेश्चनों को ही यहां पे करवाया जा रहा है। तो दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं 33 के बाद 34 नंबर क्वेश्चन, और 34 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि दृष्टिबाधित विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए आवश्यक नहीं है श्रव्य कैसेट, गणित पढ़ाने के लिए अबेकस, छोटे अक्षरों में छपी किताबें, कागज पर ब्रेल सामग्री। तो 34 का यहाँ पे जो हमारा राइट हो जाएगा दोस्तों, छोटे अक्षरों में छपी किताबें, यानी कि 34 का सी के साथ ये क्वेश्चन क्या बन जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं हम लोग 35 नंबर क्वेश्चन, और 35 नंबर क्वेश्चन में कहा गया कि छात्रों में सीखने की योग्यता निर्भर करती है परिवार पर, समाज पर, संस्कृत पर, व्यक्तिगत भिन्नता पर। तो 35 का यहाँ पे जो राइट हो जाएगा दोस्तों हमारा व्यक्तिगत भिन्नता पर, यानी कि 35 का हमारा डी के साथ ये क्वेश्चन क्या होगा, राइट हो जाएगा। अगला हम लोग देखेंगे 35 के बाद दोस्तों 36 नंबर, और 36 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि प्रतिभाशाली बालकों को पढ़ाने हेतु निम्न में से कौन एक उत्तरदायी नहीं है। सार्थक पर्यावरण उत्तरदायी नहीं है, कि बुद्धिमान सहपाठियों का समूह उत्तरदायी नहीं है, कि लचीला व बहुवादी पाठचर्या हमारा उत्तरदायी नहीं है, कि इनमें से कोई नहीं है। तो 36 का जो हमारा हो जाएगा, प्रतिभाशाली बालकों को पढ़ाने हेतु निम्न में से कौन एक उत्तरदायी नहीं है। तो इनमें से दोस्तों कोई भी हमारा इसका उत्तरदायी नहीं है। तो 36 का हमारा डी के साथ ये क्वेश्चन क्या होगा, राइट बन जाएगा।
अगला देखेंगे 37 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, कहा गया है कि बालक में वैयक्तिक विभेद का मुख्य कारण है मानसिक गुण है, माता पिता की शिक्षा है, शारीरिक भिन्नता है, विद्यालयों की गुणवत्ता है। तो 37 का यहाँ पे जो हमारा राइट बन जाएगा दोस्तों, यहाँ पे मानसिक गुण हो जाएगा, यानी कि 37 का हमारा ए के साथ क्वेश्चन क्या बनेगा, राइट बन जाएगा। बालक में वैयक्तिक विभेद का मुख्य कारण दोस्तों क्या है, मानसिक गुण हो जाएगा। अगला देखते हैं हम लोग दोस्तों 38 नंबर क्वेश्चन, और 38 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है अतिरिक्त कक्षाओं एवं संवर्धन कार्यक्रमों का प्रयोग शिक्षा के लिए किया जाना चाहिए, मंद बुद्धि बालकों के लिए, प्रतिभाशाली बालकों के लिए, एक व दो दोनों के लिए, निम्न शैक्षिक उपलब्धि बालकों के लिए। तो 38 का यहाँ पे जो हमारा राइट हो जाएगा दोस्तों, एक व दो दोनों के लिए, यानी कि एक में हमारा दिया गया था मंद बुद्धि के बालकों के लिए दोस्तों, दूसरा हमारा दिया गया प्रतिभाशाली बालकों के लिए। तो 37 का सी यानी कि एक व दो हमारे इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। दोस्तों यहाँ पे हमारा 39 यानी कि 39 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, कहा गया कि डिसलेक्समिया मुख्य रूप से डट डट की समस्या से संबंधित है, डिसलेक्सिया मुख्य रूप से किससे संबंधित है दोस्तों, सुनने से संबंधित है, पढ़ने से संबंधित है, बोलने से संबंधित है, या बोलने व सुनने दोनों से है। तो यहाँ पे दोस्तों पढ़ने से हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो डिसलेक्सिया जो है मुख्य रूप से किससे संबंधित है दोस्तों, पढ़ने से संबंधित है, यानी कि 39 का बी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं 39 के बाद दोस्तों 40 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे कहा गया कि अधिगमकर्ता की व्यक्तिगत विभिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षक को चाहिए विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना, याद करने के लिए शिक्षार्थियों को तथ्य उपलब्ध कराना, निगमनात्मक पद्धति के आधार पर समस्याओं का समाधान करना, कलन विधि यानी कि एल्गोरिथम का अधिकतर प्रयोग करना, यानी कि 40 का जो हमारा राइट हो जाएगा दोस्तों, अधिगमकर्ता की व्यक्तिगत भिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षक को चाहिए कि विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों का उपलब्ध कराना, यानी कि ऑप्शन नंबर 40 का हमारा ए के साथ क्वेश्चन क्या बनेगा, राइट बनेगा। और हम लोग देखेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि भाषा अवलोकन से संबंध विकार है दोस्तों, चलाघात है, पठन वैकल्प है, पाठ संबंध रोग है, भाषा घात है। तो 41 का यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों हमारा डी ऑप्शन, यानी कि भाषा घात है। 41 का डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग दोस्तों 42 नंबर क्वेश्चन, और 42 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि गतिक कौशलों में अधिगम निर्योग्यता डॉट डॉट कहलाती है, गतिक कौशलों में अधिगम निर्योग्यता डट डट कहलाती है, डिसप्रेक्सिया कहलाएगी दोस्तों, डिसकैलकुलिया कहलाएगी, या डिसलेक्सिया कहलाएगी, डिसफेजिया कहलाएगी। तो 42 का यहाँ पे दोस्तों जो राइट हमारा बनेगा वो कहलाएगा डिसप्रेक्सिया कहलाएगी, यानी कि गतिक कौशलों में अधिगम निर्योग्यता कहलाती है दोस्तों, डिसप्रेक्सिया कहलाएगी। 42 का हमारा ए के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं हम लोग दोस्तों 43 नंबर क्वेश्चन, और 43 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना किस उद्देश्य के लिए हुई है, दूरस्थ शिक्षा के लिए हुई थी दोस्तों, या पर्यावरण शिक्षा के लिए, या दिव्यांग जन की शिक्षा के लिए, या उपर्युक्त सभी के लिए। तो भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना दोस्तों जो किस उद्देश्य से हुई थी, तो वो दिव्यांगजन की शिक्षा हेतु हुई थी, यानी कि 43 का हमारा सी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे दोस्तों 44 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम वर्ष डॉट डॉट में लागू किया गया, 1992 में, 1995 में, 1999 में, 2017 में, यानी कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम वर्ष में लागू किया गया था, कौन से वर्ष लागू किया गया था, तो दोस्तों 2017 में, यानी कि 2017 में लागू किया गया था। तो 44 का हमारा यहाँ पे डी के साथ क्वेश्चन क्या बनेगा, राइट बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग दोस्तों 45 नंबर क्वेश्चन, 45 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि कोई भी बालक जिसका व्यवहार सामान्य सामाजिक व्यवहार से इतना भिन्न हो जाता है कि उसे समाज विरोधी कहा जा सके, बाल अपराधी है, या परिभाषा किसकी है। दोस्तों यहाँ पे कहा गया था कोई भी बालक जो है जिसका व्यवहार सामान्य सामाजिक व्यवहार से इतना भिन्न हो जाए कि उसे समाज विरोधी कहा जा सके, बाल अपराधी है, या परिभाषा किसकी है दोस्तों, गुड की है, काल्सनिक की है, वैलेंटाइन की है, या फिर दोस्तों हमारी एडलर की है। तो दोस्तों ये परिभाषा दिया था गुड ने दिया था, यानी कि 45 का अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमारा
ए के साथ इक्वेशन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 45 का ए के साथ क्वेश्चन क्या बनेगा, राइट बन जाएगा। और दोस्तों ये अगला क्वेश्चन देखेंगे और ये आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन भी होगा। यहाँ पे दिया गया है कि डिसलेक्सिया में यह करने में कठिनाई होती है, व्यक्त करने में, पढ़ने या वर्तनी में, बोलने में या दोस्तों खड़े होने में। अभी अभी दोस्तों आप पीछे पढ़ चुके हैं, दो चार छह क्वेश्चन पीछे पढ़े हैं कि डिसलेक्सिया जो होती है किसके लिए कठिनाई होती है, पढ़ने से रिलेटेड संबंधित है, यानी कि उसी से रिलेटेड कठिनाई होती है। यानी कि ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 46 का हमारा यहाँ पे बी के साथ क्वेश्चन क्या बनेगा, राइट बन जाएगा। तो होप सो दोस्तों आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो रिसर्च हमारी पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जोर दबा लीजिएगा। दोस्तों आप हमारे व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, इसके लिए दोस्तों आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। ग्रुप में जुड़ने से दोस्तों बेनिफिट आपको इस बात का होगा, इन सारे क्वेश्चनों का हल सहित आपको PDF वहाँ पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और दोस्तों यदि आपको और किसी चीज़ का नोट्स वगैरह चाहिए तो वो भी आपको प्रोवाइड हो जाएगा। और दोस्तों यदि आपका किसी प्रकार का सुझाव या डाउट या डाउट हो तो आप वहां पे कमेंट या मैसेज करके बता सकते हैं। और दोस्तों अगर आप CTET की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और CDP में अच्छा स्कोर गिन करना चाहते हो दोस्तों, तो आप हमारे इस वीडियो से साथ में रिसर्च से जुड़ना बिल्कुल भूलें, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जितने भी CDP के क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए सारे क्वेश्चनों का ही संकलन यहाँ पे करवाया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।